तेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। अबे 4 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ यार मैं। इट्स ओके भाई, बस पहुंचने ही वाले हैं। और क्या, बस 4 किलोमीटर का कष्ट उठा लो, फिर तो आराम ही आराम। किसी ने बंसी काका को भी बोला नहीं होगा। मैं ही फोन करके बोल देता हूँ कि हम पहुंचने वाले हैं। तब तक रूम भी रेडी करके रखेंगे। ओह शिट, ये नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है। ला मुझे दे, तेरे हाथों से तो कुछ नहीं होते, हर एक चीज खराब हो जाती है। यार यहाँ पर सिग्नल्स का प्रॉब्लम रहता है। और संजू, तेरे पापा को भी शहर से इतनी दूर फार्म हाउस बनाने की क्या सूझी थी? फार्म हाउस पे लोग डेली लाइफ की टेंशन दूर करने के लिए ही आते हैं डीजे, और कभी कभी वापस टेंशन लेकर भी जाते हैं। Shut up, पूरब। मैं फिर से वही बकवास बातें नहीं करना चाहती। भड़क क्यों रही है रिचा? पूरब ने तो बस एक बात। देखो, हम लोग यहाँ पर विकी का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, और अगर यही सब होना है तो मैं गाड़ी वापस मोड़ रहा हूँ। नो नो प्लीज, गाड़ी मत मोड़ो यार, किसी को 1 साल भी तो हुए ना। प्लीज नीलू, कुछ और बात कर सकते हैं क्या? तुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता ना रिचा? हाँ नहीं पड़ता, तुझे ऐसे लगता ना तो नहीं पड़ता संजू। बट लाइफ का मतलब होता है आगे बढ़, ऐसे पीछे हटकर रहना नहीं। और प्लीज, मैं किसी का वेट नहीं कर सकती, सॉरी। वो मिसिंग है, मरा नहीं है, ओके? व्हाटएवर, प्लीज संजू, रिचा, बंद करो तुम लोग। बंद ही करो यार, 4 घंटे से बहस किए जा रहे हो और मुंह फुला के बैठे हो। हाँ प्लीज यार, हम 1 साल बाद वापस आए, एंड प्लीज मूड स्पॉइल मत करो। संजू, मेरे लिए भी विक्की बड़े भाई की तरह थे, बट यार जो बीत गया सो बीत गया ना। वैसे भी कल उनका बर्थडे है, और तेरे कहने पे सब सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। यार खुश रहो ना, और प्रे करो कि कल वो वापिस लौट के आ जाए। अरे भैया जी, कैसे हैं? कौनो परेशानी तो रही सफर में? अरे नहीं नहीं बंसी काका, परेशानी का है, बस 200 किलोमीटर की ड्राइव थी। सॉरी बंसी काका, हमारी वजह से आप अपनी फैमिली से दूर। ऐसे काहे बोले तो बिटिया, आप लोग तो हमार फैमिली हो यहाँ। भैया का कुछ पता चला? ना है बिटिया, अगर कुछ पता चलता तो हम सबसे पहले आपको बताते ना। आप लोग चलिए, हम सामान लेके आते हैं। चलिए चलो चलिए।
हाँ भैया जी। जी काका क्या हाल है? सब आपका आशीष है भैया जी। अरे आशीष तो बड़ों का होता है, हम तो आपके लिए दुआ कर सकते हैं। और बताइए कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी? अब भैया जी वो मच्छर बहुत काटा थे। ओका कानो परेशानी नहीं, पर जौन अकेलापन काटा थे ना भैया जी तो दर्द होवत है। बंसी काका के कहने का मतलब समझ रहे हो ना भैया? अरे गांव जाना है इन्हें, कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती तो हमहू अपने महरारू बच्चा के देख आते। अरे चाची से मिल लेना, काम करना, जब हम लोग चले जाए यहाँ से तो 2 महीने की छुट्टी ले लेना। पर अभी एक काम करो, बढ़िया खाना तैयार करके फार्म हाउस के पीछे लेके आओ। ठीक है भैया जी। गाइस बॉनफायर करें। यस भैया। भैया जी वहां ना जाओ, वहां सुने हैं कि भूत विराजत है। अजीब अजीब वहां से आवाज आवत है, हमारी बात का यकीन करो। अच्छा बाबा मानी तुम्हारी बात, अब आप हमारी बात मानो। कल मेरा बर्थडे है और हम वहीं मनाएंगे और आप भी साथ में रहोगे। आप लोग नहा धो के तैयार हो जाओ, हम खाना लगावत हैं। नहीं मैं ऐसी भूतिया जगह पर अकेले नहीं रुकूंगी। अरे देखो बहाना, सीधे सीधे बोलना कि विकी के साथ रुकना है। ओके गाइस चलो लेट्स गो। चलो भैया, आई कांट अंडरस्टैंड उसका क्या प्रॉब्लम है। ओ, बुरा लग गया। अरे यार उसका भाई मिसिंग है और आज 1 साल हो जाएगा उसको। तो किसने कहा था भाई की बर्थडे मनाने के लिए सेम जगह पर आए? अच्छा यार कम ऑन, 2 दिन की तो बात है, विकी की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फिर निकल जाएंगे। कौन किसको मिलने वाला है? अरे नो, समटाइम्स आई फील वो मुझसे नफरत करने लगी है और हमेशा तैयार रहती है झगड़ने के लिए। तुम भी ना यार ऋचा, सुनो किसी भी लड़की को बुरा लगेगा कि उसकी होने वाली भाभी अब उसकी भाभी नहीं हो सकती। हाँ तो अब मैं सफेद साड़ी पहनकर विकी के नाम की माला चढ़ाऊं, है ना? यार मैंने ऐसा कब कहा? विकी इज गॉन एंड आई एम ऑन। तुम ही ना दीजिए। ऋचा यार प्लीज अपना मूड मत खराब कर। मेरा मन कर रहा है ना संजू को जाकर अभी जोर का थप्पड़ लगाओ। अच्छा उससे क्या होगा? मेरे मन को तसल्ली मिल जाएगी। और अगर उसके दिल की तसल्ली के लिए उसने खोजबीन शुरू कर दी तो? पर रहो मत दीजिए। अच्छा बाबा ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम दोनों साथ हैं। जी प्लीज मैं शावर लेने जा रही हूँ। जाने भी देना संजू। कैसे जाने दूं नीलू, पिछले साल भी सब परेशान थे और ऋचा को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तूने देखा भाई के मिस होने के 2 महीने बाद से ही वो डीजे के साथ चिपक रही थी। हम लोग हैं ना यार, और मैं तेरे साथ सर्च करूंगी। एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह ना पुलिस स्टेशन चलते हैं एंड आई एम श्योर वहां से कुछ ना कुछ पता जरूर लग जाएगा। होपफुली। हिम्मत मत हार, हम लोग हैं ना तेरे साथ। तुम लोग हो तभी तो इतनी हिम्मत है, लेकिन कभी कभी बहुत डर लगता है। बस दिल का एक वहम है संजू, हम लोग हैं ना, देखिए भाई यहाँ का पता जरूर लगा लेंगे। पक्का ना? पक्का। ना हाफ क्यों रहा है? अरे वो विकी, विकी भैया कहाँ? गार्डन में।
पक्का तूने ठीक से देखा? नहीं। तुझे वहम हो गया है, तू जाके आराम कर। यार मेरा विश्वास करो, वो विक्की भैया ही थे। प्लीज पूरा, अभी मजाक के मूड में नहीं है, तू जा और जाके आराम कर और इसे भी आराम करने दे। हाँ हाँ, आई एम सॉरी संजू, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा था। एक काम करो, मुझे लगा कि तुम्हारा मूड सही होगा। प्लीज ऐसा मजाक दोबारा मत करना पूरा। ओके। भैया जी सीखा का? बोलो। कहा बोले, आप तो जानते हैं खर्चा कितना बढ़ गया है और लोगों को भी देना पड़ता है। हाँ काका, समझता हूँ, किनको अभी तक जॉब भी नहीं लगी है। जैसे ही दूसरी जॉब लगती है मैं पैसे भिजवाना स्टार्ट करता हूँ। तब तक कैसे चलेगा? चाचा हर महीने तो पैसे भेजते ही था ना, एक दो महीने संभाल लो। संभाल तो रहे ही हैं। अब आप जानते हैं यहाँ बगैर पैसे के कौनों के हाथ नहीं चलाए, कौनों की जुबान नहीं रुके। तब ऐसा करेंगे समझ नहीं आता भैया। कुछ पैसे रखिए। क्या है? रखिए ना, बाकी के बाद में देता हूं। डीजे मेरा टॉवल रह गया है। बाहर आकर ले लो खुद। प्लीज डीजे, मेरा मजाक का मूड नहीं है। अरे तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारा मूड अभी ठीक किया के देता हूँ। प्लीज डीजे दो ना टॉवल। अच्छा बाबा दे देते हैं। भैया जी वो डिनर तैयार है। हाँ आ रहे थोड़ी देर में जाओ। हाय गाइस, संजय नीलू, कल का क्या प्रोग्राम है? लास्ट ईयर की तरह डेकोरेशन करते हैं, हॉल में केक काटते हैं, प्लीज यार बॉनफायर करते हैं ना। काका
क्या हुआ, पट्टी क्यों बंदी हुई है? कहा बता मैं भैया जी, जब हम आपको खाना खाने के लिए कहने आए थे और जब वापस लौट रहे थे ना, तो पिछवा में जो बत्ती है वो जले बुझे लागी। पर हमका कौनो धक्का मारे ऐसा हमको लगता है। बंसी काका, मेरे लिए एक कटोरी लेके आओ ना। हाँ दीजिए, कल प्लीज बॉनफायर करते हैं ना। क्यों, यही हॉल में केक वे काट के वी विल लीव। बॉनफायर करेंगे और ठीक उसी जगह पे जहां लास्ट ईयर किया था। संजना, केक लेने के लिए शहर जाना पड़ेगा। अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे के लिए इतना भी नहीं कर सकते डीजे। नहीं संजना, ऐसी बात नहीं है, बस केक लाने जाने में पूरा दिन चला जाएगा। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर राजापुर कस्बा है। लो, हो गई तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं भी चलूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले डिनर करते हैं, बाकी बातें बाद में। पहले डिनर, बाकी बातें बाद में करेंगे। प्लान्स भी बनते रहेंगे। संजू, ये ख्याल रखते हो अपने भैया का? देखो कितना वीक होता जा रहा है मेरा विकी। तुम हो ना, अब तुम ख्याल रखो भाई का। आए, बस मुझे भी अपने हाथों से कोई खाना खिला देता। मैं खिलाऊं? अच्छा चल मत, अपने लिए कोई ढूंढ ले, है ना? अरे ढूंढी है यार, पर यार बोलने से डर लगता है। लो, सबसे ज्यादा बात करने वाले लड़के को लड़की से बोलने में डर लगता है। ऐसा होता है। अच्छा मुझे बता कौन है वो, मैं तेरी हेल्प करती हूँ। मैं जानती हूँ उसे। हाँ। स्कूल की या कॉलेज की फ्रेंड है? दोनों। नीलू। नो वे, इसके गर्लफ्रेंड बनने से अच्छा मैं जहर खा के मर जाऊँ। तो छोड़ो, मैं बाद में बताऊंगा। कल मैं, डीजे और संजना हॉल डेकोरेट करेंगे, ओके? और तुम और पूरब जाके केक लेकर आना। ओके। और उसके बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। कहाँ? इधर चेयर पे, तुझे नहीं दिख रहे क्या? Thank you.
संजू, अगर तू चाहती है मैं चली जाऊं तो बोल दे। वो यही बैठे थे, मैंने देखा। संजना कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है बस। नहीं, वो यही बैठे थे। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? नीलू, बिलीव मी यार, भैया यही बैठे थे। काम तो मेरे साथ चल। भैया, ये ले, पानी पी ले और अपने दिमाग को शांत कर। तुझे क्या लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ? ऐसा नहीं कहा मैंने संजू। कल विक्की भैया का बर्थडे है, मैं प्रे करूंगी कि वो वापस आ जाए। क्या बंसी काका, ये कपड़ों के अंदर नागिन डांस क्यों कर रहे हो? देखा, वो हुआ कहा कि हम बर्तन लेके जा रहे थे। अब बर्तन बर्तन कहा गबा? भैया, प्लीज भैया वापस आ जाइए। I'm missing you। आप जहां भी हैं वापस आ जाइए। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ भैया, प्लीज आ जाइए। कुछ तो बोलो काका। ले लीजिए, चाय पीजिए। आज शाम हम अपन गांव चले जाएं बस। पर हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। हमें भी तो बताओ काका। ये क्या फिर से चोट? चाय पिएंगे? हाँ हाँ, इसलिए तो आया हूँ। पहले ये बताओ ये कैसे हुआ? छोड़ो ना भैया जी, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं बिटिया,
कि आज शाम हम अपने गांव चले जाए बस। ठीक है चले जाना काका, लेकिन आपको पहले ये बताना होगा कि आप अचानक से गांव क्यों जाना चाहते हैं। काका क्या हुआ? चलो संजू गार्डन में जाके चाय पीते हैं। काका भी ना चाय तक नहीं दिए। Let me make my own tea only. See, Tijan, पीछा जंगल में। क्या बात है? डीजे सुबह सुबह नंगे पैर। ये दोनों वैसे जंगल में क्या कर रहे हैं? Anyways, my name is also James Bond. That's Konilu. आज तो डीजे की हरकत का पता लगा कर ही रहूंगी। समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से भाई कहाँ चले गए। इतना ढूंढने की कोशिश लेकिन उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और फिर ऋचा का बिहेवियर, भाई मरे नहीं है, मिसिंग है, और वो अभी से डीजे के साथ। एक काम करो, तुम रहो, चाय पी। समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पे चल क्या रहा है।